ई एस आई सी यू डी सी दो हज़ार बाईस उन्नीस मार्च दो हज़ार बाईस की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो कम्प्लीट हो चुका है पहली पारी का एग्जाम कम्प्लीट हो चुका है मेरे पास जी के और मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी सिर्फ मेरे पास मैथ और जी के क्वेश्चन आए हैं जैसे ही और क्वेश्चन आते हैं मैं आपके लिए जल्द वीडियो लेके आऊँगा अभी सिर्फ मेरे पास मैथ और जी के क्वेश्चन आए हैं अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप मेरे साथ वहाँ पर जुड़ सकते हैं जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं मैंने कापी पर लिख कर यहाँ पर आपके लिए लेके आ चुका हूँ मेरे पास सिर्फ जीके और मैथ के क्वेश्चन आए हैं देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था पहला क्वेश्चन आपसे जीके का क्वेश्चन है वो पूछा गया था आई सी सी क्रिकेट ऑफ द ईयर दो हज़ार इक्कीस एक सम्मानित किया गया देखिए दो हज़ार इक्कीस का करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोहम्मद रिजवान को एक क्वेश्चन का राइट आंसर है यह आपके 2021 का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा गया बीसवें डाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत को भारतीय खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार मिला है ये कुंगल है इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार हो मिला है बीसवें डाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विदेश विनियम प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ देखिए ये आपसे क्वेश्चन है और पूछा गया है विदेश विनियम प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था ये 2003 में आपका इसका राइट आंसर है लागू हुआ था जो 2003 में आपका राइट आंसर है जो अगला क्वेश्चन आपसे सा क्वेश्चन है वो पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये जी सा क्वेश्चन है, है? बम्बई में इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दो हजार रुपये के नोट पर खालिस्तान की छवि होती है मंगलयान की छवि होती है दो हजार के नोट पर देखिये इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन अपने जरूर तैयार कर लें जो भी आपसे क्वेश्चन है वो शिफ्ट में पूछे गए बस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे साइंस से पूछा गया ये मेरे जो पास आया वो उसमें एक क्वेश्चन है वो साइंस का है किस धात्व को चाकू से आसानी से काटा जा, का जा सकता है देखिए सोडियम धात्व का चाकू से आसानी से काटा जा सकता है नेक्स्ट प्रश्न आपसे एशिया की विशालतम प्रवर्ती दूरबीन है कहाँ है ये आपके क्वालुर में है ये इसका राइट आंसर यह है मेरे पास जीके के क्वेश्चन है वो सात से आठ क्वेश्चन है अभी जीके के मेरे पास यही क्वेश्चन आए हैं और अब बात करते हैं मैथ के किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं देखिए जो आपके दो प्रश्न आए थे वो चक्रवर्ती ब्याज से दो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में चक्रवर्ती ब्याज चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी से था एक प्रश्न आपका रेलगाड़ी को चैप्टर से वो पूछा गया है दो प्रश्न आपके साधारण ब्याज से हैं वो पूछे गए दो क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज से चैप्टर से दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एक प्रश्न आपका एल सी एम और एच सी एफ से पूछा गया एक क्वेश्चन आपका एल सी एम और एच सी एफ के चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपका पूछा गया इसमें दो क्वेश्चन आपके एल जेबरा से पूछे गए दो क्वेश्चन आपके एल चैप्टर से हम पूछे गए इसमें फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया एक प्रश्न आपका हाइट और डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका चैप्टर से पूछा गया है इसमें एक प्रश्न आपका कार्य तथा समय से पूछा गया टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में तीन पर्सन आपके प्रतिशत से परसेंटेज से आपसे तीन क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं तीन पर्सन आपसे परसेंटेज चैप्टर से तीन क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं ये मेरे पास क्वेश्चन आए हुए थे मैं तो जीके के क्वेश्चन ही है फर्स्ट शिफ्ट के हैं जैसे ही सेकंड शिफ्ट कम तम होती है उसके लिए मैं आपके लेके आऊँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें आप भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में